फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आपके अपने इस यूट्यूब के चैनल में स्वागत है एक बार फिर से स्टेशन एंड प्लेसेस में। आज फिर से आपके लिए एक अपडेट लेकर आया हूँ डालीगंज सीतापुर विद्युतीकरण का, खैराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन से, और कुछ नई बातें आप लोगों को बताऊँगा। और ये जो वीडियो भेजा है फ्रेंड्स, मेराज भाई ने भेजा है जो कि खैराबाद के रहने वाले हैं। शुक्रिया मेराज भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो बनाकर भेजा और आपकी बदौलत हम अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को ये वीडियो दिखा पा रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरे चैनल पर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि जब मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। ये वीडियो मेराज भाई ने कल शाम को शूट किया था, और चूँकि जैसा आप लोगों को पता है कि डालीगंज से सीतापुर का जो विद्युतीकरण का काम है वो लगभग 99.9% पूरा ही हो गया है, और साथ में जो हिस्सा डालीगंज से मोहिल्लापुर के बीच में बचा हुआ था उसे भी आज पूरा कर लिया जाएगा, और जो फाइनल टच और फिनिशिंग देनी है OHE वैन मशीन द्वारा वो भी पूरा कर लिया जाएगा आज शाम तक। उम्मीद यही है, क्योंकि कल खैराबाद रेलवे स्टेशन पर थोड़ा सा जो फाइनल टच और फिनिशिंग का काम होना था उसके लिए OHE वैन मशीन खैराबाद रेलवे स्टेशन पर आई थी। आप सामने देख सकते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर OHE वैन खड़ी हुई है, क्योंकि OHE वैन मशीन अपना पूरा काम कर चुकी थी खैराबाद रेलवे स्टेशन पर, जो फाइनल टच जो कहीं भी कमी बची हुई थी, और चूँकि काम करते समय उसका वीडियो नहीं ले पाए थे, और जब ये जाने की तैयारी कर रही थी OHE वैन मशीन डालीगंज की दिशा में, तब ये वीडियो शूट किया था उन्होंने। और आप देख सकते हैं अभी फिलहाल कोई काम नहीं चल रहा है, इसका मतलब इस OHE वैन ने अपना पूरा काम यहाँ पर जो बचा हुआ था उसको पूरा कर लिया। एक बात और भी है, डालीगंज से मोहिल्लापुर के बीच में जो लगभग आधा किलोमीटर का हिस्सा बचा हुआ था विद्युतीकरण का, उसे भी कल पूरा कर लिया गया है। अब डालीगंज से सीतापुर के बीच में शायद ही कोई ऐसी जगह बची हो जहाँ पर फिनिशिंग या फाइनल टच का काम ना किया गया हो, और मेरे ख्याल से अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि केवल खैराबाद रेलवे स्टेशन पर दोबारा OHE मशीन इसी वजह से आई थी क्योंकि तो शायद कोई कमी रह गई थी और उसको फाइनल टच देना था, जो कि वो अब पूरा करके वापस डालीगंज की दिशा में चली गई। हालांकि जो बख्शी का तालाब रेलवे स्टेशन पर पावर सब स्टेशन बन रहा है उसे अभी थोड़ा बनने में समय लगेगा, और मैंने कुछ व्यूअर्स और सब्सक्राइबर से भी जैसे अपने पुराने वीडियो में परसों की वीडियो में पूछा था, जब मैंने डालीगंज से सीतापुर के बीच में बख्शी का तालाब रेलवे स्टेशन के पावर सब स्टेशन का अपडेट दिया था, तो उसमें पूछा था कि क्या पावर सब स्टेशन का होना ज़रूरी है CRS के लिए, तो मेरे कुछ सब्सक्राइबर और व्यूअर्स ने कमेंट्स में कहा था कि CRS के लिए उसके लिए ज़रूरी नहीं है पावर सब स्टेशन का बनना, और वो डालीगंज वाली लाइन से ही करंट फ्लो कर दिया जाएगा जिससे कि CRS होने में कोई समस्या ना आए। और चूँकि ये लोगों द्वारा जब CRS किया जाएगा तो उसके बाद जो ये पावर सब स्टेशन का काम है वो लगभग पूरा कर लिया जाएगा, क्योंकि ट्रेन चलने में ये लोगों द्वारा तो समय लगना ही है, मान के चलिए कम से कम 1 से 2 महीना, और तब तक जो बख्शी का तालाब पावर सब स्टेशन है वो पूरी तरह से तैयार कर लिया जाएगा, फिर वहाँ से पावर सप्लाई OHE लाइन में दी जाएगी। तो आप सामने देख सकते हैं अभी 4:25 हुआ है और OHE वैन मशीन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खैराबाद रेलवे स्टेशन पर डालीगंज की दिशा में जा रही है, तो बहुत अच्छी बात है कि कम से कम समय में आप ये मान के चलिए कि लगभग 80 किलोमीटर का जो क्षेत्र था डालीगंज से सीतापुर के बीच में उसको 9 या 10 महीने में कह दीजिए 8 या 9 किलोमीटर प्रति महीने की रफ्तार से बना लिया गया। और अब अगर हम लखीमपुर की बात करें तो जो सीतापुर से लखीमपुर के बीच की जो दूरी है वो 45 किलोमीटर की, तो उसे भी लगभग अगर हम 9 किलोमीटर प्रति महीना का हिसाब रखें तो 5 महीने में यानी कि अप्रैल से मई के बीच में वो पूरा कर लिया जाएगा जो सीतापुर से लखीमपुर के बीच में विद्युतीकरण का काम है। एक औसत मैंने आपको बता दिया है, तो एक तरह से ये औसत मैंने डालीगंज सीतापुर विद्युतीकरण के काम से निकाला है,
और जैसा कि इस रूट पर काफ़ी तेज़ गति से विद्युतीकरण का काम किया गया है, इस तरह से इतनी तेज़ गति से काम विद्युतीकरण का किसी और रूट पर नहीं चल रहा है। जहाँ जहाँ मैं अभी गया हूँ, चाहे वो रायबरेली रूट हो और चाहे वो फैज़ाबाद वाला रूट हो, तो बहुत अच्छी बात है, और चाहे वो बुढ़वल या रोज़ा वाला रूट हो, तो काफ़ी तेज़ गति से काम हुआ। और इसी तरह से अगर सारे प्रोजेक्ट पे काम होता रहे तो काफ़ी जल्दी सारे काम निपटाए जा सकते हैं और यात्रियों को सहूलियत भी मिल सकती है। और देश के विकास के लिए ऐसी रफ्तार की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है कि समय पर सारे प्रोजेक्ट पूरा हों। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आप लोगों को ये एक छोटा सा अपडेट खैराबाद रेलवे स्टेशन से? उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये पसंद आया होगा। लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।